Hey guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel DKG Dexterous Zone, and today I'm gonna tell you very important thing about the math papers of CA Foundation. So yes guys, जो CA Foundation में है student और मैथ के पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मैथ्स के पेपर्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि पेपर में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किस किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी. सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, लेट मी यस जस्ट ए मिनट गाइज. यस, सो देखो गाइज, हमारा जो पेपर है, जो हमारा पेपर है मैथ का, तो उसके अंदर हमें पता है तीन पोर्शन है. एक हमारा जैसे कि दिख रहा है हमारा मैथमेटिक्स है, दूसरा हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, और तीसरा हमारा स्टैटिस्टिक है. सो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है, और लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो 20 मार्क्स का, अगेन स्टैटिस्टिक जो है 40 मार्क्स का. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट ए से, जो कि ये है 40 मार्क्स का. सो गाइज देखो, पहला जो चैप्टर है वो पार्ट है बेसिकली. ये पूरा जो ए पोर्शन है इसको डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया है. इनफैक्ट तीन पार्टों में बांट दिया गया है इसको. पहला पार्ट जो है ये है हमारा 20-30% तक वेटेज है. रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम नाम के चैप्टर हैं इसके अंदर. और सेकंड जो चैप्टर है इसके अंदर वो है इक्वेशंस. सो गाइज, और क्या है इसके अंदर, मैट्रिसेस है. तो ध्यान रखो, ये काफी आसान है, और इनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो मैं पूरे के पूरे यहां तक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं. इसका मतलब पता है क्या हुआ गाइस, 8 से लेकर के 12 मार्क्स तक का वेटेज है इसका टोटल. अगर 20% अब निकालो 40 का तो 8, और 30% निकालो 40 का तो 12 आएगा. तो 8 से 12 मार्क्स आप इन चैप्टर्स को कर करके पक्का कर सकते हो. ठीक है, इन सारे चैप्टर्स को करके पक्का कर सकते हो पूरे जो चैप्टर्स है. आगे फिर बहुत ही क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर गाइस, ये सेकंड, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी. गाइस ध्यान से देखो, ये आपका 12 से लेकर के 16 मार्क्स का है गाइस. 16 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 100 नंबर के पेपर में, और पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं. ये पूरा का पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं. सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सोल्व कराए हैं मैंने अपनी ही वीडियो में, जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं. तो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ में अगर मैं कहूं तो ये, और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है. बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से मैंने सारे उसके अंदर अपने जो है ट्रिक्स समझाई हुई हैं. तो आप इस चैप्टर को जरूर करें, सारी वीडियोस देखें. मैंने सारी की सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की. ठीक है गाइज, सो इस चैप्टर को बिल्कुल ना छोड़ें आप. आगे चलते हैं गाइज, जो हमारा तीसरा पोर्शन बचा मैथ का, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन है हमारा ये. सो गाइज, वैसे तो मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है, और काफी सेट एंड सीक्वेंस एंड सीरीज की. ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जो लोग नॉन मैथ बैकग्राउंड के और उन्होंने अभी प्रिपरेशन नहीं की है, तो पहले इसको ना करके वो डिफरेंट पोर्शंस को करें. क्या करें, या एक तो ये चैप्टर्स करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फटाफट, रेशियो, और ये जो है ये वाला काफी आसान है, इन दोनों की वीडियोज भी डली हुई, ये भी करें, और लॉजिकल रीजनिंग करें और स्टैटिस्टिक करें. ठीक है, सो इस पे बाद में करें अगर टाइम बचता है तो, बट स्टिल परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सीरीज काफी ईजी है, तो यू कैन डू इट एज वेल. बट अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं कह रहा हूं इसको आप लाल के लिए पोज कर सकते हो, और जो पहले हल्का पोर्शन है उसको करो, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है और स्टैटिस्टिक है उसको करो. एनीवे, ये आपका 30-50% है. 30-50% का मतलब गाइस ये हुआ कि आपका 12-20 मार्क्स तक का पोर्शन है ये, 20 मार्क्स तक का. ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये काफी लेंथी चैप्टर्स भी हैं, और ये चार मेन टॉपिक्स हैं आपके, तो आप देख लेना इसको. ये सबसे इजीएस्ट पार्ट लॉजिकल रीजनिंग गाइस, इस पे मैंने काफी वीडियोस डाली हुई है, नंबर्स इस पे डाली हुई है, और मुझे लगता है शायद डायरेक्शंस पे भी डाली हुई है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं. बट अगर आपको चाहता है, जैसे कि किसी ने बोला सिलोजिज्म पे वीडियो बनाओ, तो मैं बना दूंगा. ब्लड रिसर्जन पे चाहिए, ये बहुत ही इजी पार्ट है गाइस. सबसे पहले अगर आपने कुछ नहीं किया तो इसको जरूर करें. फ्री के 20 नंबर हैं सच बताऊं तो, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 16 नंबर. ठीक है, इनको जरूर करें, और उसके बाद आप स्टैटिस्टिक पोर्शन पे आए. हाँ, तो गाइस देखो, 60-70% इसका है. 60-70% का मतलब समझते हो, यानी कि
ये हो गया आपका 12 मार्क्स से लेकर के 14 मार्क्स तक का तो पोर्शन यही है, और बाकी के 6 मार्क्स से लेकर का और 8 मार्क्स तक का जो पोर्शन है ये है आपका। तो ये काफ़ी इजी है गाइस, बहुत ही इजी है, डायरेक्ट डायरेक्शन टेस्ट बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, 20 नंबर फ्री के हैं, आपको बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले जो आपको इजी लग रहे हैं टॉपिक उन पे करें, मैं टोटल वेटेज बता रहा हूँ इसकी। आगे चलते हैं गाइस, ये स्टैटिस्टिक में ये पहले जो पोर्शन है आपका जो स्टैटिस्टिकल थियोरटिकल चैप्टर है बहुत ही ईजी है, और दूसरा जो है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मीडियन मोड की बात की गई यहाँ पे, और कुछ भी खास नहीं है, और ये 45 से 50% मतलब 20 मार्क्स तक इसको जरूर करें गाइस, इसको जरूर करें। स्टैटिस्टिक में बेसिक चैप्टर है बेसिकली, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक का पोर्शन है, कुछ वीडियो मैंने प्रोबेबिलिटी की डाली हुई है, बाकी भी मैं डालूंगा क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं, ये भी मैं डालूंगा, जो कि आप समझ लो 12 मार्क्स तक आ सकता है प्रोबेबिलिटी का ये वाला पोर्शन। सेकंड देखते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक तो इसके अंदर, और क्या क्या है इसके अंदर, ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है बेसिकली, यानी कि उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो 12 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। ये चैप्टर भी बहुत आसान है, कोरिलेशन रिग्रेशंस ये जरूर करें आप, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस बेसिक से फॉर्मूले हैं कुछ, यानी कि 6 मार्क्स तक का इसके अंदर आ सकता है, हालांकि मार्क्स ज्यादा नहीं है बट काफी इजी भी है, भारी भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो है इतने ही मार्क्स का जो है हमारा इंडेक्स में नंबर्स और टाइम सीरीज आ रहा है। सो गाइस, ये थी हमारी वेटेज, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले आप टाइम वैल्यू ऑफ मनु को जरूर खत्म करें, सबसे पहले अगर आपने कुछ भी नहीं किया सबसे पहले इसको खत्म करें, 16 मार्क्स तक आ सकता है गाइस, बहुत होते हैं 16 मार्क्स, ठीक है। अगर आप, और मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया हुआ है, उसके बाद आप लॉजिकल रीजनिंग पर आए सीधा, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स गाइस, इसको खत्म करें तो 16 और 20 ये आपके 36 मार्क्स तक का तो ये खत्म हो गया। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये मैंने पूरा डाला हुआ बड़े इजी वे में, ये रेशियो इक्वेशंस यहां तक मैंने डाली हुई है, ये पोर्शन आप खत्म करें तो समझ लो ऑलमोस्ट 8-10 मार्क्स का ये भी आपका खत्म ही हो जा रहा है, अगर मैं इसको 10 मार्क्स का भी मान लूं यहां तक, ठीक है। तो ये आपका समझ लो 46 मार्क्स का हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ पेपर तो आपका इजी चीजों में ही हो गया। और अगर आप थोड़ा सा और करना चाहते हैं गाइस, तो ध्यान रखो ये जो 20 मार्क्स का पोर्शन है ये वाला, इसको जरूर करें, इसको बिल्कुल ना छोड़ें, ये तो बहुत ही आसान है गाइस, बहुत ही आसान है। तो आपका इस तरीके से 60% की कवरेज तक कवर हो जाता है, 60% तक हो जाता है अगर 20 भी जोड़ दूं, यानी कि कहने का मतलब अगर आप छोड़ना चाहते हैं, अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं तो मैं बता देता हूं आप ये वाले टॉपिक छोड़ सकते हैं फिलहाल इनको, अगर मैं नहीं कह रहा छोड़ो बल्कि बाद में करो जब आपके पास टाइम बचे, तो पहले जो अपना टाइम है कीमती टाइम है वो उन चैप्टर में लगाओ जो इजी है, और जब टाइम बचता है तो इनको करें। यानी कि सबसे पहले आप क्या करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी करो, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग करो, और उसके बाद जो स्टैटिस्टिक का ये पोर्शन है वो करो, और जब टाइम बचता है तो फिर करो यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शंस इंडाइसेस लॉगरिथम और इक्वेशंस, और उसके बाद अगर फिर भी टाइम बचता है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीरीज एंड सीक्वेंस, ठीक है। इस हिसाब से आपका मैथ का पेपर अच्छे से तैयार किया हो सकता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, आपको बताई प्लीज कमेंट में मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि मैं अकाउंट्स की भी और लॉ की भी और जो आपका इकोनॉमिक्स है उस पर भी ऐसे ही एक वीडियो बनाऊं ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ज़्यादा जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगी वो उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि हाँ मैं उस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।